महाविनाशनी है या वही द्वार है जिसके पीछे वो जादू चला। चलिए आइए मेरे पीछे। आप आगे मैं पीछे। फिसलती जबान। अरे मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो, अरे सुन रहा है, मुझे आजाद करो, अरे कोई है, कोई सुन रहा है, मुझे आजाद करो, अरे रुकिए, महाविनाशनी, है क्या कर रही आप, है पता आपको, है रहता इसके अंदर जिन, और है उसका नाम फितूरी। मेरे तजुर्बे के मुताबिक है वो बड़ा सरफिरा। कहीं बालवीर के बदले करना ले आपको ही कैद जिनिस्तान में। हाँ मूर्ख, तौबा तौबा, जिनको उसके चिराग से जो भी मुक्त करता है, जिनको उसी की सेवा करनी पड़ती है। अरे हाँ क्षमा, गया था मैं भूल। का 15वां का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में आप सबके एंटिक्स में से कुछ एंटिक्स सिलेक्ट करके सिटी म्यूजियम में भेजे जाएंगे और पहले 3 एंटिक्स को प्राइज भी दिया जाएगा। आइटम के सामने हमारा एंटिक्स तो कुछ भी नहीं है। हाँ मानव, मुझे भी यही टेंशन हो रहा है। हमें इससे और अच्छे एंटिक्स लाने होंगे, वरना प्राइस तो दूर की बात है, हमें 15 मार्क्स में नहीं मिलेंगे। हाँ तो चलो मार्केट में से खरीद के आते हैं। ओए बल्लू लल्लू, हमें एंटिक्स चाहिए। एंटिक्स मतलब पुरानी चीजें, हमें नई चीजें नहीं चाहिए। चलिए दादाजी आइए। वो देखो मिल गया एंटिक। कौन, मोंटू? हाँ। देखिए सर, देखिए। बेटा तुम खाली हाथ आ गए, तुम्हारा एंटिक भी क्या है? ये ना मेरा एंटिक, जीता जागता एंटिक। मंटू ये क्या मजाक है? सर क्या मजाक, क्या सर, आप ही ने कहा था कि कोई पुरानी चीज लानी है। हा? तो ये है ना, ये 106 साल पुराने है सर, यहाँ की सारी चीजों से पुराने। अब दीजिए मेरा फर्स्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस? फर्स्ट प्राइस? अरे फर्स्ट प्राइस क्या, तुम्हारी तो पिटाई होनी चाहिए। ए मोटे, मैंने तुझे मना किया था ना मेरे दादाजी को नहीं ले जाने के लिए, ये तुझे एंटी की नजर आ रहे, अब तुझे बनाता हूँ एंटी। चलिए दादाजी,
Montu, are you all right? Yes, sir. Hey, तुम्हें लास्ट मौका देता हूँ अपना एंटीक लाने के लिए. एक अच्छा सा डिसेंट सा एंटीक पीस ले आओ, वरना तुम्हारा नाम काट दूंगा मैं. ओके. बच्चे, ये सब तेरी वजह से होता है. पता नहीं ये बेकार के आइडिया कहाँ से लाते. बॉस, ये सब जाने दो. पर मोंटू बॉस, जो होता है अच्छे के लिए होता है. अच्छा, अरे हमारी पिटाई हुई उसमें क्या अच्छा. अरे मोंटू बॉस, अच्छा ये कि मेरा जनरल नॉलेज बढ़ गया. जनरल नॉलेज कैसे बढ़ा? हमें ये पता चल गया कि बिना साबुन के धुलाई किसे कहते हैं. बिना साबुन के धुलाई. सॉरी, मैं समझ गया. पर अब ये सोचो कि हम एंटीक आइटम लाएंगे कहाँ से? लाएंगे कहाँ से? मानव मेहर बल्लू है ना, इनके एंटीक आइटम सबसे बेस्ट होंगे, तो इनके नाम की जगह हम हमारे नाम की स्लिप डाल देंगे. बहुत हंस रहे थे ना मुझ पर, अब देखना बाद में मैं तुम पर कैसे हंसता हूँ. पितुरी को चिराग से निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. पितुरी अब से आपका गुलाम है. बताइए मालकिन, क्या हुक्म है? मालकिन, उनका हुक्म बाद में, पहले श्री श्री तोबा तोबा जी का आदेश. ए गुलाम, चलो खिलाओ मुझे पंच पकवान और साथ में थोड़ी मिठाई भी. चलो. लगता है तुम खाने के बहुत शौकीन हो. बहुत. खाओगे? क्यों नहीं, पक्का. अरे दिया बोलना एक बार पक्का मतलब पक्का. चलो खिलाओ. आजकल है खिलाता सेवक बीमार मालिक को. मूर्ख, तौबा तौबा, वो तुम्हारा नहीं मेरा सेवक है. अब बीच में मत बोलना. फितुरी ध्यान से सुन, तुम्हें अपनी मुक्ति के बदले कुछ मनुष्य को जिनिस्तान जाकर कैद करना होगा. अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगी. वाह, आज तक जिन इंसान के गुलाम हुआ करते थे, पर आज से इंसान जिनके गुलाम बनेंगे. मजाएगा, मजाएगा, मजाएगा. तो बताइए मालकिन, वो कौन इंसान है जिसको कैद करके मुझे मेरी आजादी मिलेगी? वो देखो फितुर, मानव, मेहर और बल, इन तीनों को जिनिस्तान ले जाना है तुम्हें. लेकिन याद रखना, है नहीं बल्लू कोई साधारण बच्चा, समझे? मैंने कहा था बीच में मत बोलना. अब ध्यान से सुनो फितुर, असल में बल्लू बालवीर है, हमेशा मानव महर के आसपास होता है, सच्चाई का और बच्चों का रक्षक है. उसके पास जादुई शक्तियां भी है फितुरी, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए बहुत ध्यान रखना. तो बताइए मालकिन, मैं क्या करूं? कैसे बालवीर से अपना पीछा छुड़ाओ? है ये तो सीधी बात. फितुरी, मानव महर सिर्फ प्यादे, मेरा असली लक्ष्य है बालवीर. पर बालवीर का अपहरण तुम नहीं कर सकते,
इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मानव और मेहर का अपहरण करो, कुछ इस तरह कि बालवीर को पता चल जाए कि वो कहाँ है। फिर बच्चों का रक्षक बालवीर उन्हें बचाने के लिए तुम्हारा पीछा करेगा, और जब वो तुम्हारा पीछा करते करते जिनिस्तान आ जाएगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। समझे फितूरी? समझे? समझ गया मैं मालकिन। तो फिर जाओ, जाओ पृथ्वीलोक और ले आओ बालवीर को। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर मालकिन। चले गए, अच्छा मौका है, चल रोहित, चल उन पिद्दियों के एंटीक आइटम पे अपना नाम लिखते, ढूंढ उनका आइटम। रोहन पते, ओपट निकुंज, वाह क्या ब्यूटीफुल चिराग है रोहित, लगता है चिराग हजारों साल पुराना है। क्या बॉस, चिराग तो सिर्फ 13 साल का है, और वो तो कब का क्लासरूम में पहुंच गया, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आपको क्या चश्मा आ गया? देखो को, वो वाला नहीं, ये वाला चिराग देख। वाह ब्यूटीफुल, क्या चिराग है। और बॉस ये है किसका? इसका भी हो, पर अब ये मोंटू द ग्रेटेस्ट का खानिक है, यहाँ पे मेरा नाम आएगा। चल नाम लिखते हैं। हाँ लिख ले, चल। ये रोहित, इसके अंदर से तो आवाज आ रही है। बॉस, इसमें से तो धुआं भी निकल रहा है। बॉस लगता है इसमें से जरूर जिन निकलने वाला है। जिन? हाँ। जिन क्या होता है? अरे जिन बॉस, जिन अलादीन वाला जिन। ओ बॉस जल्दी से 3 विश मांग लो, वरना ये आपको खा जाएगा। हाँ, हाँ मैं से ये विश मांगूंगा कि इस कंपटीशन के 3 प्राइज मुझे ही मिले। बॉस कुछ बड़ा मांगो, बड़ा बड़ा। हाँ हाँ तो मैं ये विश मांगता हूँ कि इस कंपटीशन के 3 प्राइज मेरे साइज में बड़े मिले। कब से बचाया ही जा रहा है। बॉस लगता है अब ये जिन हमारी बैंड बजाने वाला है।
अरे रही थी आप जिसे समझ शतरंज का वजीर निकला वो तो प्यादा। देखिए देखिए है कैसे फुदकला वो मोंटू के साथ। अरे पकड़ेगा ये क्या मानव और मेहर को? अरे वो क्या दिख रही आप ऐसे? मुझे टुकुर टुकुर चाहिए चाहिए और लगाइए ठिकाने आपके उस फितूरी का दिमाग। तौबा तौबा, क्या तुमने अभी अभी मुझे आदेश दिया? आदेश? और मैं आपको रे देख कैसे सकता हूँ मैं आपको आदेश कर रहा था, मैं तो बिनती चाहिए समझाइए आपके उस फितूरी को कि खेलना बंद करे और करे अपना काम। मालकिन की जय हो, मालकिन की जय हो। ये क्या कर रहे हो तुम फितूरी? ऐसी थोड़ी सी शरारत मालकिन। 2000 साल के बाद पहली बार किसी बच्चे को डराया, बड़ा मजा आया। माफ करना मालकिन, माफ करना। अब आया मजा मूर्ख, जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसे करने के बजाय तुम खेल खेल रहे हो। जाओ जल्दी जाके मेरा काम पूरा करो, वरना फिर से तुम्हें अपने चिराग में डाल दूंगी मैं। जो हुकुम मालकिन, जो हुकुम। जो